डियर बिग बॉस मेकर्स, मुझे तो भाई तो माफ कर दो, मतलब सच में हम सबको आप माफ कर दीजिए, हमसे ना देखा जा रहा है अभी ये शो। बिग बॉस OTT 3 अब तक के इतिहास का सबसे ज्यादा स्क्रिप्टेड शो लग रहा है यार। मतलब अब तक के जो सीजन है उनमें ऐसा होता था, कहीं ना कहीं हमें लगता था कि यार शायद ये एविक्शन जो है वो अनफेयर हो गया, बिग बॉस ने यहाँ पर अपनी चलाई है, कहीं ना कहीं गेम खेलते हुए बिग बॉस नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पर, वहाँ तो चीजें छुप जाती थी, यहाँ पर चीजें साफ साफ हमें नजर आ रही हैं कि बिग बॉस OTT 3 में रिसेंटली जो हुआ है, विशाल पांडे और शिवानी कुमारी को जो घर से एविक्ट किया गया है, पहले तो वो अनफेयर एविक्शन है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग अभी घर में मौजूद हैं यार, अभी भी 7 लोग घर में बचे हुए हैं, हालांकि 2 एविक्शंस होनी है, लेकिन उन 7 लोगों को देख के लगता है कि यार अपने ही फेवरेट्स को आगे रखने की बिग बॉस यहां पर कोशिश कर रहे हैं, और जनता क्या कहना चाहती है उसे किसी तरीके की कोई भी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। सो दिस इज नॉट एट ऑल अ रियलिटी शो एनीमोर। हाय हेलो, सिमरन दिस साइड एंड यू आर वॉचिंग अ स्पेशल सेगमेंट ऑन बिग बॉस OTT 3। और भाई हमारी तो बस हो चुकी है, मतलब इससे पहले वाला जो मैंने एपिसोड देखा था, 2 घंटे 5 मिनट का एपिसोड, जहां पर जमकर टॉर्चर हमें किया था अनिल कपूर ने। पहले तो उन्होंने इतनी बड़ी स्पीच दी थी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, मतलब जहां पर एक तरफ वो कहते रहते हैं कि यार मॉरल वैल्यूज ये होती हैं, एथिक्स ये होते हैं, एक तरफ तुम इन सब चीज़ों के बारे में स्पीच दे रहे हो, दूसरी तरफ तुमने अरमान मलिक को बिठा रखा है जिसने घर में जो है वो रूल्स तोड़े, अदनान को तुमने आते ही निकाल दिया कि तुमने तो रूल तोड़ा बिग बॉस के घर का, क्यों? क्योंकि तुमने बाहर की बातें घर के अंदर आके की थी। और अरमान मलिक ने क्या किया है, गुड्डू ने क्या किया है घर में, मैं क्यों उसको गुड्डू बोल रही हूँ, अरमान मलिक ने क्या किया घर में, उसने नहीं तोड़े घर के रूल, उसने साफ साफ सबने कैमरा पे देखा है कि उसने विशाल पांडे को थप्पड़ मारा था। विशाल को लेकर के जो बात डिस्कस हुई है, किन बातों के मुद्दे बना रहे हो यार, तो मतलब किन किन बातों को लेकर के घर में जो है वो बेवजह के कलेश हुए हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। जब वीकेंड के वार के ऊपर घर में जो सच में लड़ाइयाँ हुई हैं, सच में जो मुद्दे बने हैं उनके बारे में बात होनी चाहिए थी, उन सबको इग्नोर करके बिग बॉस ने कहा कि भाई मैं जो दिखा रहा हूँ तुम बस वो देखोगे, बिकॉज दिस इज स्क्रिप्टेड शो। अनिल कपूर क्या होस्ट कर रहे हैं, वो साफ साफ नजर आता है कि वो जो होस्टिंग करते हैं वो स्क्रिप्ट के बेस पे करते हैं, उनको बस एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि भाई ये स्क्रिप्ट है, आपने इस तरीके से चलना है। उन्होंने कभी शो देखा ही नहीं है, उनको बिग बॉस की समझ ही नहीं है, ये हमें अच्छे से समझ आ गया है। लास्ट एपिसोड जो मैंने देखा है उस पर से तो मुझे यही समझ आया कि भाई अनिल कपूर ने बिग बॉस नहीं देखा है। जाह्नवी कपूर को बुला लिया इन्होंने, और उन्होंने मैडम ने आके क्या बोला कि भाई अगर कपूर सारे के सारे इकट्ठे हो जाए तो पता नहीं क्या हो, बेड़ा गर्क हो जाएगा शो का, क्योंकि वो तो पहले ही हो रखा है, ठीक है, अनिल कपूर ने कर दिया। सलमान की तारीफ लोग क्यों करें कि सलमान जब घर में होते थे जो असली मुद्दे होते थे उनको सलमान उठाते थे, उनको खत्म करते थे, सॉर्ट आउट करते थे, जितने सीजन हमने सलमान के देखे हैं यही जजमेंट सारे लोग पास करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, आप किसी को भी देख लीजिए, हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर यही बात कर रहा है कि सलमान की एंकरिंग में, उनकी होस्टिंग में क्या दम था, कि घर में जो मुद्दे होते थे वो उनको अच्छे से सॉल्व करते थे। और अनिल कपूर ने क्या किया, इस सीज़न में इनको कोई मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे थे, कुछ मसाला मिल नहीं रहा था, तो इन्होंने मुद्दे बनाए गए, स्क्रिप्ट बेस जो है वो प्लानिंग करके चीज़ों को एग्जीक्यूट किया गया, फिर इन्होंने अपनी मनमर्जी से कर दिए एविक्शन। सो लास्ट एविक्शन जो हमें देखने को मिला है विशाल पांडे और शिवानी कुमारी का, टोटली अनफेयर था। लास्ट एपिसोड की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट एपिसोड में हमें देखने को मिला कि विशाल घर से चले गए हैं, और जिस तरह से कटारिया और सना रो रहे थे यार, उनको देख के लगा कि सच में इन तीनों की दोस्ती जो है वो बहुत सच्ची थी, और बाहर जाकर के भी ये ऐसे ही उसको जो है वो कायम रखेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर विशाल शिवानी गए कैसे हैं, शिवानी के लिए पता है बिग बॉस ने क्या बोला है, हम सब ने सुना ही है कि भाई उसको वोट कम आ रहे थे। कौन सी जनता के वोट देख रहे हैं आप, अच्छा ठीक है मान लेते हैं शिवानी को वोट कम आ रहे थे, कृतिका को वोट मतलब ज़्यादा आ रहे हैं, कृतिका को वोट ज़्यादा आ रहे होंगे, सही केतन को जो है वो वोट ज़्यादा आ रहे होंगे, और साथ साथ नेजी को तो बहुत ही ज़्यादा वोट आ रहे होंगे, इसलिए तो आपने उनको बिठा रखा है। और रणवीर शोरे, रिसेंटली एक बयान जो है वो हमें मनु पंजाबी का हमारे सामने आया था, जहां पर वो कह रहे थे कि भाई बिग बॉस को तो रणवीर शोरे से प्यार हो गया लगता है। सच में हो गया लगता है यार, मैं भी यही कहूँगी, क्योंकि एक तरफ आप रणवीर शोरे को मटन चिकन खिलवा रहे हैं, अब देखिए इन्होंने तो बात को छुपा दिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके लिए ये तक पहुंचाया गया है, घर में वो पेपर रोल करते हुए नजर आए हैं, फिर भी उनको इस तरह से OTT जो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है उनको उसके ऊपर बिठा के रखा गया है, इतनी जनता उस शो को देख रही है, बच्चे भी उस शो को देखते हैं, आप किस तरह का मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहते हैं? अरमान मलिक, कृतिका पायल को आपने शो में बुला लिया, आप क्या कन्वे करना चाहते हैं? वी रियली डोंट नो। और जो लोग सच में डिजर्व करते थे टॉप 5 में जाना, शिवानी कुमारी क्योंकि एंटरटेन कर रही थी भाई, वो विशाल ने जिल्लत भी सही, गालियां भी खाई हैं, फिर भी वो एंटरटेन भी कर
कर रहा था वो सच्चा भी था, टास्क भी अच्छे से कर रहा था, टॉप टू में जाना डिजर्व करता था, उसको आपने घर से बाहर निकाल दिया। और अभी की अगर मैं बात करूँ, 7 लोग जो घर में हैं उनमें से 2 लोग और एविक्ट हो जाएंगे और वो 2 डेफिनेटली गुड्डू और गोलू ही होने चाहिए। सई के दिन भी जा सकते हैं यार, सई का जो झगड़ा हुआ था उसके बाद कुछ नहीं कर रहा है वो बंदा, वो तो दिखता भी नहीं है घर में, सो उसका जाना तय होना चाहिए, उसको जाना चाहिए। सना कटारिया डेफिनेटली टॉप 2 में जाना डिजर्व करते हैं, लेकिन जो टास्क घर में हुआ है वहां पर सना को जम करके टारगेट करते हुए बिग बॉस भी दिखे हैं और घर वाले भी दिखे हैं। सना को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया है। अब देखिए, बिग बॉस के ऊपर एक और चीज़ डिपेंड करती है, जनता का शो तो ये है नहीं है, इतना तो हमें पता लग गया है कि बिग बॉस अपने फेवरेट्स को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सई केतन साथ ही साथ नेजी और रणवीर शोरे को कहीं ना कहीं बिग बॉस टॉप 2 में ले जाने की कोशिश करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, कोई चाल दोबारा से नेगेटिव चाल नहीं चलते हैं बिग बॉस, तो सना मकबूल और कटारिया डेफिनेटली हमें टॉप 2 में दिखेंगे। लेट्स सी, वी होप कि कटारिया के साथ अब दोबारा से कोई गेम बिग बॉस ना खेल दें एंड वी होप कि हम जो हैं वो उनको टॉप 2 में एटलीस्ट जाते हुए देखें। बातें इतनी लंबी हो जाएंगी अगर हम करने बैठेंगे। घर में जो लास्ट टास्क हुआ है और कितना ज़्यादा और अनफेयर एविक्शन है, इसके बारे में किसी और वीडियो में हम बात डेफिनेटली करेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि विशाल शिवानी घर से बाहर हैं और टॉप 5 की जो अभी दौड़ है वो लगातार जारी है। लेट्स सी आज के एपिसोड में या कल के एपिसोड में हमें देखने को मिल जाएगा कि टॉप 5 कंटेस्टेंट्स कौन है। बाकी आप किसको टॉप 2 में देखना चाहते हो, लेट अस नो इन द कमेंट्स।